हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्टी वेस्टी। और आज मैं बात करूंगी अपने पौधों में लगने वाले इन छोटे छोटे से कीड़ों के बारे में, जो कि वाइट और ब्लैक दोनों कलर के होते हैं और इनको हम लोग मिली बग्स के नाम से जानते हैं। और ये अगर एक बार पौधे में लग जाए तो इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि पूरा का पूरा ही अपना एक गुच्छा सा बना लेते हैं। ये देखिए, पत्तों के नीचे भी इतनी बुरी तरह से लग जाते हैं कि कुछ दिनों में ही पूरा पौधा का पौधा ही ख़राब कर देते हैं। और जनरली ये जब हमारे पौधों में नई नई बर्ड्स निकलती हैं या नई नई जो पत्तियां निकलती हैं वहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और ये बर्ड्स में तो इतनी तेज़ी से फैलता है कि कई बार हमारी फूल खिलने से पहले ही हमारी बर्ड ही ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारे पौधे में फूल ही नहीं खिल पाते हैं। और ये गुड़हल के पौधे में तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है, और इसीलिए गुड़हल के पौधे में हमें लगभग एक हफ्ते में इसमें कोई ना कोई इसमें कीटनाशक दवा ज़रूर डालनी होती है, जिससे कि ये ख़त्म हो जाए। और अगर हम दवा नहीं डालते हैं तो बहुत ही तेज़ी से फैलता रहता है। गुड़हल के साथ साथ बाकी सभी पौधों में, जैसे आजकल सर्दियों में डहेलिया आ रहा है, डहेलिया में भी ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और अगर हम इसका टाइमली अगर इसमें कोई हम दवा ना डालें तो ये फूल नहीं खिलने देता है अच्छे से। अभी मैं पिछले 4-5 दिन के लिए बाहर गई हुई थी और ये देखिए मेरे पौधे पर कितनी बुरी तरह से अटैक किया हुआ है। देखिए ये बड में कितनी बुरी तरह से इसमें कीड़े लग रहे हैं, और ये पिछले 4-5 दिनों का ही रिजल्ट है। और ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कितनी बुरी तरह से इसमें कीड़े लगे हुए हैं। और अभी मैं आज ही वापस आई और इसका मुझे तुरंत ही कुछ ना कुछ इसमें दवा डालनी है, और इसके लिए मैं कोई अपना ऑर्गेनिक कीटनाशक नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैं छोटा सा एक इसमें उपाय करूँगी और वही मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। ये देखिए कितने ब्लैक ब्लैक से पूरी की पूरी बड में ही लगे हुए हैं। ये देखिए छोटी सी बड निकलने वाली है और निकलने के पहले इसमें कितने सारे से कीड़े लगे हुए हैं। ये देखिए, अगर इसमें दवा नहीं डालेंगे तो अच्छे से नहीं खिलेगी। कई बार फूल खिलने के बाद भी धीरे धीरे इसमें अंदर की साइड में इसी तरह से काफ़ी सारे कीड़े लग जाते हैं, तो ज़रूरी होता है इसमें एक बार हम किसी दवा का छिड़काव करें। काफ़ी सारे इसमें नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी हैं जो कि मैं अपने अगले किसी वीडियो में शेयर करूँगी, बट अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा उपाय आपसे शेयर करूँगी और वो है हमारा ये डीओ। एक बार आप अपने पौधों में जहाँ पर भी कीड़े लगे एक बार छिड़काव करके ज़रूर देखें, और इसका आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे। अभी तो मैंने कोई भी दवा नहीं बनाई थी इसलिए मैं यही छिड़क रही हूँ, और मुझे इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं ये आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको यूज करके एक बार ज़रूर देखें। जहाँ जहाँ भी आप कीड़े लगे देखें वहाँ पर एक बार इसको स्प्रे करें और आपके भी कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये इसमें पत्तियों में ये ब्लैक कलर के कीड़े लगे हुए थे, इसमें भी मैंने इसको स्प्रे किया हुआ है। ये जब भी आपके पास कोई दवा ना हो तो आप इसको आराम से अपने पौधों में स्प्रे करें और आप देखेंगे कि आपके भी कीड़े कितनी जल्दी से, कितना फटाफट से ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे भी रहेंगे इतने ही खूबसूरत से, हरे भरे से। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये छोटा सा और सिंपल सा असरदार नुस्खा ज़रूर आजमाना चाहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अपने जानकार लोगों में भी इसको शेयर कर दें, जिससे कि छोटी सी जानकारी, छोटी सी है लेकिन असरदार है, और ये जानकारी आपके साथ साथ सभी लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।